हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन अब से जो है वीडियोस रेगुलरली आपके पास आते रहेंगे। जो मेरा एम है, आपको इस चैनल के माध्यम से जितना भी हो सकता है मैं आपको जो ट्रेडिंग का ज्ञान दे सकता हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस पहले देख सकते हैं। जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं वो अब मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप एक सिंक में आ जाएं नए वीडियोस के और नए ट्रेडिंग माइंडसेट के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की। चार ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो ही आप लॉन्ग टर्म इस ट्रेडिंग की गेम में सस्टेन कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इस ट्रेडिंग की गेम में सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको ये चार पॉइंट्स कहीं पे लिखने चाहिए और इनको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ लिखने से बात नहीं बनेगी, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि आपको ये प्रैक्टिस कैसे करनी है और ये चार पॉइंट्स है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो पोजीशन साइजिंग का होता है। पोजीशन साइजिंग क्या चीज होती है दोस्तों? पोजीशन साइजिंग दोस्तों होती है जिसमें कि आप कितने, कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप उस ट्रेड में कितने स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, वो आपकी पोजीशन साइजिंग होती है। ये वाली पोजीशन साइजिंग दोस्तों, ये आपकी जो कैपिटल एट रिस्क है उस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, ठीक है। अगर आप अब आप मैक्सिमम इसमें कितना रिस्क ले सकते हैं, तो आप ये आपकी, देखिए, रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड नहीं करता, ये आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इस गेम में बने रहना चाहते हैं, लेने वाले तो दोस्तों इसमें 50% यानी 50,000 का रिस्क भी एक ट्रेड में लेते हैं, लेकिन क्या वो सही है? आप खुद सोच के देखिए, क्या वो सही है कि आपके पास अगर 1 लाख की कैपिटल है और आप एक ही ट्रेड में 50,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो? अगर वो ट्रेड, देखिए, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिससे कि स्टॉक का प्राइस जो है प्रभावित होता है, और वो वाला जो अच्छे से अच्छे पैटर्न भी फेल होते हैं, मार्केट कंडीशंस पे फेल होते हैं। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा कि अच्छे से अच्छा पैटर्न है, आपको अच्छे से अच्छा ट्रेड दिख रहा है, लेकिन वो भी फेल होगा ही होगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि अच्छे से अच्छा पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया हो, अच्छे से अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्वालिटी सिग्नल आपने आइडेंटिफाई किया हो और वो फेल हो गया हो? अगर आपके साथ हुआ है तो कभी भी ये चीज मत करना कि आप इसमें 50% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे रख रहे हो, या फिर आप सीधा जो है 20% ऑफ द कैपिटल यानी 1 लाख की कैपिटल है, सीधा 20,000 का रिस्क एक ही ट्रेड पे ले रहे हो। ऐसा कभी भी मत करना। एज पर द रूल, आपको 1% ही एक ट्रेड पे रिस्क लेना चाहिए। 1% ऑफ द 1% ही आपको रिस्क लेना चाहिए एक ट्रेड पे, एज पर द रूल। और एट एनी मोमेंट आपको आपको 4% से ज्यादा रिस्क जो है नहीं लेना चाहिए अपनी कैपिटल का। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं तो आप इसको कहीं पर 7 से 8% तक ले जा सकते हैं। मतलब कि 1 लाख की कैपिटल है तो 8,000 का रिस्क तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन एट एनी मोमेंट आपको सिर्फ 4% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे रखनी चाहिए, और वो भी एक ट्रेड में नहीं। आपको इसको डिवाइड करना है, 4,000 को मान लीजिए मैं 8 ट्रेड में डिवाइड करता हूं तो 500 500 का रिस्क मुझे पूरे दिन में लेना है 8 ट्रेड में। अगर मैं ये नहीं कर रहा तो मेरे इस गेम में सस्टेन करने की जो लॉन्ग टर्म सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको अगर एक ट्रेड में ही आपने 4,000 का रिस्क ले लिया, वो आपका लॉस में चला गया तो आप पूरा दिन ट्रेड नहीं कर सकते। एज पर द रूल कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा। आपका कंप्यूटर है, आपका ट्रेडिंग टर्मिनल है, आपके पास उसका यूजर नेम पासवर्ड है, आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आपको नहीं देख रहा। इस गेम का सबसे बढ़िया जो चीज है वो यही है कि इसमें आपको कोई आपके ऊपर डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ कि आपको ये करना है या ये नहीं करना। आपका अपना कंट्रोल, आपका अपना डिसिप्लिन ही आपको इस गेम में बनाता है। आपका अपना सेल्फ कंट्रोल, कि कितना आपके अंदर कंट्रोल है किसी चीज को लेके, वही आपका जो है ट्रांसलेट होता है इस गेम में प्रॉफिट्स में। तो सबसे पहली चीज, अब ये क्यों नहीं करना, मैं आपको इसका कारण भी बता सकता हूं। देखिए, अगर आप यहाँ पे 50% एक ट्रेड में ले रहे हैं तो मान लीजिए 10% ऑफ द कैपिटल आप रिस्क पे रख रहे हैं। इस चीज को समझिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूं। 10% ऑफ द कैपिटल
ट्रेड में ले रहे हैं, तो 10 ट्रेड, अगर 10 लूजिंग ट्रेड आपके एक साथ आ गए तो आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। आपकी अगर 10 लूजिंग ट्रेड आपके पास आ जाते हैं तो आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, अगर आप 10,000 पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं। और यही रिस्क अगर आप 1% ऑफ द कैपिटल ले रहे हैं, हर ट्रेड में 1% ही रिस्क पे डाल रहे हैं, तो आपके पास 100 ट्रेड अगर आपके लूजिंग जाएंगे तो आपकी कैपिटल वाइप आउट होगी। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ रूम है, कुशन आपके पास बहुत ज्यादा है, कि आप 1% कैपिटल रिस्क पे रख रहे हैं तो आपके पास 100 लूजिंग ट्रेड जाएंगे तो आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो इसमें देखिए, ये एक सस्टेनेबल मॉडल होता है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए कि आपको पोजीशन साइजिंग अप्रोप्रिएट करनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों ये होता है कि आपको पोजीशन साइजिंग डिटरमाइन कैसे करनी है, कि मैं मान लो 1,000 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं स्टॉक्स कैसे बाय करूंगा। ये मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, 1% आप एक ट्रेड पे रिस्क ले रहे हैं तो आप कितने स्टॉक बाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपने, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और यहाँ पे मैं मान लीजिए यहाँ ब्रेकआउट हो रहा था और ब्रेकआउट क्लोज पे आपने एंट्री ली 854 पे, सुपर ट्रेंड के नीचे आपने जो है स्टॉप लॉस रखा 830 पे, तो आपका 24 रुपये का रिस्क आ रहा है। मतलब आपका जो रिस्क है वो पर स्टॉक जो है वो 24 रुपये का आ रहा है, कहीं पे 24 रुपये के आसपास आ रहा है। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको 1,000 को जितना आपका रिस्क है उसको डिवाइड कर दीजिए 24 से, जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं और जितना पर स्टॉक रिस्क आ रहा है उतना। तो आप यहाँ पे 41.6 यानी अंदाजन 42 स्टॉक्स ही यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 42 × आपका 24, आप ऐसे कर लो ना कि 42 आपके स्टॉक्स हैं और हर एक स्टॉक पे आपका 24 रुपये का रिस्क है, तो ये टोटल आपका 1,000 रुपये का रिस्क हो गया। तो यहाँ पे आप 42 स्टॉक्स ही बाय कर सकते हैं। ऐसे कोई और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मैं उसमें भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ली 1319, आपने सुपर यहाँ पे डे के लो के नीचे रखा 1296, तो आपका ये 19 और 4 23 के आसपास का 23 के आसपास का आपका जो है रिस्क आया पर स्टॉक। और आप इसको क्या करेंगे, आप इसको 1,000 जितना आप रिस्क एक ट्रेड में लेना चाहते हैं डिवाइडेड बाय आपका कितना डिस्टेंस आ रहा है एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में। तो यहाँ 43.4 यानी यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 43 स्टॉक्स ही बाय कर सकते हैं। तो ऐसे आप हर ट्रेड को लेने से पहले ये चीज कैलकुलेट कीजिए, इससे आपका जो ट्रेडिंग है वो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और आपकी कैपिटल जो है वो प्रिजर्व रहेगी। कैपिटल प्रिजर्व करना सबसे जरूरी होता है दोस्तों ट्रेडिंग में। तीसरी चीज दोस्तों आपकी है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे देखें, देखिए जब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको एटलीस्ट आपको इसका 1.5 टाइम्स जितना ये है इसका 1.5 गुना तो रखना ही रखना है। वो क्यों रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 10 ट्रेड ले रहे हैं और 10 ट्रेड में आप 1:1 का रेशियो लेके चल रहे हैं ऑलमोस्ट, तो अगर आप एक ट्रेड में 1 रुपया लूज कर रहे हैं और दूसरे ट्रेड में 1 रुपया कमा रहे हैं और आपके मान लीजिए 5 ट्रेड सक्सेसफुल चले गए और 5 आपके लॉस में चले गए, तो आप कुछ नहीं कमा पाएंगे। और आपकी अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा होगी, मान लीजिए आप 1:2 का रेशियो लेके चल रहे हैं, तो जिस 5 ट्रेड में अगर आप 2 रुपये कमा रहे हैं तो 5 × 2 = 10, और 5 ट्रेड में आप 5 रुपये लूज कर रहे हैं तो 10 - 5 आप प्रॉफिट में रहेंगे। पांच बार अगर आपका जो है ट्रेड प्रॉफिटेबल गया और 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तब भी आपने 5 रुपये कमा लिए। तो आपको 10 बार सही होने का गेम नहीं है कि आपको 10 में से 10 बार हमेशा सही ही होना है। आप अगर 10 में से 5 बार भी सही हैं, लेकिन जब आप सही हैं 5 बार तो आप 2 रुपये के लिए सही हैं, और जब आप 5 बार गलत हो रहे हैं तो आप 1 रुपये के लिए ही गलत हो रहे हैं। वो आपका कैसे डिटरमाइन हो रहा है, वो यहाँ पोजीशन साइजिंग से हो रहा है। क्योंकि आप 1,000 लूज कर रहे हैं, 1,000 मान लीजिए 5 ट्रेड में आपने 1,000 लूज कर दिए और दूसरे ट्रेड्स में आपने मान लीजिए 2,000 गेन कर लिए 5 ट्रेड में, तो नेट जो आप देखेंगे कि 5 × 2 = 10 और यहाँ पे 5,000 लॉस कर दिए, तो 5,000 मतलब 10,000 - 5,000 आप 5,000 के प्रॉफिट में रहेंगे। और जहां आप 1,000 ही गेन कर रहे हैं और 1,000 ही लूज कर रहे हैं तो आप नेट 0 पे रहेंगे, नेट आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। इस चीज को समझिए।
तो पर ट्रेड रिस्क जो है आप वो फिक्स करिए कि हर ट्रेड में मेरे को सेम सेम रिस्क लेके चलना है, तभी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और दोस्तों चौथा कॉन्सेप्ट होता है पिरामिडिंग का। पिरामिडिंग क्या चीज होती है? पिरामिडिंग इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। पिरामिडिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब भी आप एंट्री ले रहे हैं तो आप मान लीजिए 1,000 रुपए का रिस्क लेना है, तो आप सिर्फ मान लीजिए 42 स्टॉक्स बाय करने हैं, तो आप इसके आधे बाय करेंगे पहले। मतलब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 21 स्टॉक ही बाय करेंगे शुरू में। शुरू में आप सिर्फ और सिर्फ 21 21 स्टॉक ही बाय करेंगे। अब यहाँ पे जब भी 21 स्टॉक बाय करेंगे और स्टॉक अगर आपके आधा 1% ऊपर आपके मूव कर गया फेवर में, तो आप बाकी के 21 उसमें जोड़ देंगे, बाकी के 21 भी बाय कर लेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी एंट्री पे ले आएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोनों पोजीशन में पैसा चला जाएगा, और आप स्टॉप लॉस को मूव करके अपने एंट्री के पे ले आएंगे, ताकि आप तो जो है एक पोजीशन में तो सेफ हो गए और दूसरी पोजीशन में आपका जो रिस्क है वो उतना ही है जितना आपने इसमें कमा लिया है। तो ये वाला पिरामिडिंग। और अगर दूसरा इसका वो रूल क्या है कि अगर आपके फेवर में स्टॉक नहीं गया, आपने मान लीजिए ये स्टॉक वो आपने एंट्री ली और आपके फेवर में नहीं गया और स्टॉप लॉस को हिट करने जा रहा है, तो आप जो है इसमें पोजीशन ऐड नहीं करेंगे, आप 21 की 21 ही रहने देंगे, 21+21 नहीं करेंगे, तो आपकी हाफ पोजीशन में ही पैसा गया, हाफ में नहीं गया। तो ये पिरामिडिंग का रूल होता है दोस्तों। ये जो रूल्स हैं, ये चार रूल्स हैं, ये बहुत रिसर्च करके आप अगर पढ़ना चाहें तो आप डॉक्टर वेंथार्प के बारे में पढ़ सकते हैं। वेंथार्प जो है, डॉक्टर वेंथार्प यूनाइटेड स्टेट्स में थार्प इंस्टीट्यूट चलाते हैं ट्रेडर्स को ग्रूम करने के लिए। ट्रेडर्स वहाँ 6 महीने के लिए आके कोर्सेज करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनते हैं, और डॉक्टर वेंथार्प PhD हैं, और डॉक्टर वेंथार्प अपने इंस्टीट्यूट को में पढ़ाते हैं, थार्प इंस्टीट्यूट करके वो चलाते हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है दोस्तों। और उन्होंने ये पोजिशन साइजिंग पे मास्टरी की हुई है कि पोजिशन साइजिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं और ट्रेडर्स कैसे इसको वो कर सकते हैं। आप और पढ़ना चाहें तो आप जेस्सी लिवर मूर करके, एक 1930s के टाइम में दोस्तों, 1930s के टाइम में जेस्सी लिवर मूर नाम के एक ट्रेडर हुआ करते थे, और ये आज तक के सबसे बड़े ट्रेडर हैं। सारे आज के प्रोफेशनल ट्रेडर्स इनके सामने नतमस्तक हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी बहुत कम एज में ट्रेडिंग करके बहुत ऊंचाइयां छू ली थी, और इन्होंने ये वाले रूल्स जो हैं फॉलो किए हैं। आप इनके बारे में पढ़ना चाहें तो आप इंटरनेट पे जेस्सी लिवर मूर के बारे में पढ़ सकते हैं, और डॉक्टर वेंथाप के बारे में भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितना आप पढ़ेंगे उसी उतना ही आप ग्रूम होंगे। जितना आप एक ही स्ट्रेटेजी को रद्दी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, वो मैं नहीं मानता कि आप एक होल सोल प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट सेंटिमेंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपके फील्ड में जो जो लेजेंड्स हैं उनके बारे में जरूर आप पढ़िए, जो सफल ट्रेडर्स हुए हैं कि वो सोचते क्या थे, उनकी मानसिकता होती क्या थी आखिर, तो आप उनका माइंडसेट पकड़ेंगे कि वो किस माइंडसेट से ट्रेडिंग करते थे। देखिए, मार्केट सबके लिए सेम है, मार्केट मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, उनके लिए भी सेम थी, लेकिन उनमें ऐसी क्या खासियत थी, उनकी सोच में ऐसी क्या क्या एक खूबी थी कि वो जो है वो प्रॉफिटेबल रह जाते थे और बाकी ट्रेडर्स जो है वो लॉसेस में जाते थे। तो कोई ना कोई एक क्वालिटी तो होगी, कोई ना कोई एक डिसीजन मेकिंग उनकी ट्रेट होगा। उस चीज को पकड़ने के लिए आप जरूर इनके बारे में पढ़ते रहिए। नेट पे और भी ट्रेडर्स हैं, उनके बारे में भी पढ़िए। मैं भी पढ़ता रहता हूँ, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, और इन चीजों को मैं भी रोज जो है और पॉलिश करने की कोशिश करता हूँ, और पढ़ने की, और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि फ्रीली आपको इन चीजों के बारे में ज्ञान मिले, फ्रीली आपको ये चीज अवेलेबल हो। तो दोस्तों, आपने अगर मेरा टेलीग्राम का चैनल अभी ट्रेडिंग लैब का ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और आप यहां देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली आपको 80-85% ऑफ द टाइम प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स बरस रहे हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हम दे रहे हैं। और कोई रेयर ओकेजनली ऐसा टाइम जाता होगा जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता होगा। मैंने आपको बताया, जब भी स्टॉप लॉस, आप अगर ये इस प्रिंसिपल पे अभी तक चल रहे हैं तो आप मेरे चैनल से काफी ज्यादा प्रॉफिट्स ले चुके होंगे। अगर आप एक ही ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेंगे, और देखिए ये वाला मेरा जील वाला ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और देखिए बाकी सारे ट्रेड्स में, और ये ओकेजनली हो रहा है आपको, देखिए 80-85% ऑफ द टाइम प्रॉफिट्स ही दे रहे हैं। कल की ACC ही देख लीजिए, 1325 पे दिया था ये, इसने अंदाजन 1358 का हाई बनाया है। तो
जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो एक छोटे अमाउंट के लिए हिट हो रहा है, और जब भी आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो आप पिरामिडिंग करके और ट्रेल करके और आप प्रॉफिट्स अच्छा ले रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी को भी कॉल्स मिले तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ट्रेडिंग लैब के टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। नहीं तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी बनाया है। इन सारे वीडियोस को आप देखिए, मैंने इनमें बिल्कुल आपको प्रीमियम कंटेंट आपको अवेलेबल कराया है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको एक चार कॉन्सेप्ट जो है बताने की, बार बार मैं इनको रिपीट कई बार करता हूँ क्योंकि ये ही एक एसेंस है। आप अगर आप पूछें कि क्या है एसेंस, तो ये एसेंस है ट्रेडिंग के, और स्ट्रेटजी भी है लेकिन स्ट्रेटजी आप रिफाइन कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये एसेंस है, आपको इन चीजों को फॉलो करना ही करना है लाइफ लॉन्ग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।